जनपद मुरादाबाद में भारत कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर जिला अधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अवगत कराया है कि बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, जिससे आम आदमी का जीना दुर्भर हो गया है, लोगों का रोजगार भी खत्म हो गया है और केंद्र सरकार किसान मजदूरों को तबाह करने पर तुली हुई है। ज्ञापन के माध्यम से सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मिलावटखोरी, जमाखोरी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उत्तर प्रदेश सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। कार्यकर्ताओं की मांग है कि बढ़ती महंगाई पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए, पेट्रोल, डीजल, रसोई के दाम पर अंकुश लगाया जाए, तीनों कृषि काले कानूनों को वापस लिया जाए, उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया जाए, इन जैसी अनेक मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों में जिला सचिव खान सिंह, रोहिताश कुमार राजपूत, मोहम्मद आलम, सलीम राजा कुरैशी, नेत्रपाल यादव, रुबीना आदि लोग मौजूद रहे। आज हमारा धरना प्रदर्शन वाम मोर्चे के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में है। बढ़ती महंगाई को लेकर के उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर के आज हमारा प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर है। रोज़ पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम रोज़ बढ़ रहे हैं और सरकार का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर सरकार टैक्स में पर्याप्त छूट दे दे, कटौती कर दे, तो इनके दाम आधे से भी नीचे आ जाएंगे, लेकिन सरकार ऐसा ना करके आम आदमी की कमर को तोड़ रही है। और आम आदमी इस समय, एक तो कोविड 19 था, उसको लेकर के रोज़गार सब चला गया, रोज़गार है नहीं, मजदूरों को रोज़गार मिल नहीं रहा, उनको रोजी रोटी चलाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। और ऐसे में महंगाई रोज़ पर रोज़ सरकार बढ़ाती जा रही है और कोई नियंत्रण नहीं कर रही है। इसमें जमाखोरी हो रही है और जमाखोर दुगना मुनाफा ले रहे हैं तेल के दाम। दोस्तों, हम जिला मुख्यालय पर आए हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपेंगे कि तत्काल महंगाई पर रोक लगाई जाए और उत्तर प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था में सुधार किया जाए। यहाँ रोज़ अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, अल्पसंख्यक दलितों की हत्याएं हो रही हैं। यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। इसके विरोध में आज हमारा प्रदर्शन।